हेलो डियर स्टूडेंट, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और होली की इसी रंगों की तरह आपकी ज़िंदगी भी रंगों से भर जाए और आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाएँ, मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के इतिहास प्री बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी पैटर्न पर आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा लगातार इसी तरह की वीडियो आती रहेगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के जिस स्थल वृत्त स्नानागार होने के साक्ष्य मिले हुए कौन सा है। दोस्तों हड़प्पा का जो स्थल है जहाँ समय एक बड़ा विशाल स्नानागार मिलने का साक्ष्य मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो यानी दीस का सही उत्तर है। धोला लोथल एक बंदरगाह नगर है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है जिसे हम काली चूड़ियों का शहर करते हैं। धोलावीरा यहाँ से हमें उद्धव और पतन की जानकारी में धोलावीरा से मिला, हड़प्पा सभ्यता उद्धव और पतन की जानकारी में अधिकांश जो है धोलावीरा से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर दो, बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा कौन सी थी। तो बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा दोस्तों प्राकृत भाषा थी, ठीक है। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित कथन को ठीक करके पुनः लिखें, सम्राट अशोक के द्वारा अपनाया गया धर्म सनातन धर्म से संबंधित था। तो दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा अपनाया गया धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना कि सनातन धर्म से, या किससे संबंधित, बौद्ध धर्म से, ठीक है। और बौद्ध धर्म से जो एक मार्ग जिसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं वो भी संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म में तीन पिटक हैं जिसे त्रिपिटक के नाम जानते हैं, अभिधम्म पिटक, ठीक है, इसी तरह के। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य में 100,000 से अधिक श्लोक हैं। तो महाभारत में दोस्तों 100,000 से अधिक श्लोक हैं, इसका आंसर ए सही है। प्रश्न नंबर पाँच, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र को पहचान कर इसका नाम लिखिए। तो दोस्तों जो ये चित्र दिया गया है वो है महात्मा बुद्ध, और इस चित्र का जो नाम है इसे हम क्या कहते हैं, समाधि या योग की मुद्रा। इसे समाधि या योग की मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो 10 मुद्राएं का उल्लेख किया गया है, और 10 मुद्राएं महात्मा बुद्ध की हैं, उन्हीं 10 मुद्राओं में से एक है ये समाधि या योग की मुद्रा, ठीक है। इसी प्रकार एक भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, ज्ञान प्राप्त मुद्रा है, ऐसे बहुत सी मुद्राएँ हैं, और इस मुद्रा का नाम क्या है, समाधि या योग मुद्रा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर दोस्तों वो हैं ऋषभदेव जी। हाँ, कौन है, ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर माने गए हैं। नाम क्या है इनका, ऋषभ जी। हाँ, ऋषभदेव नाम है इनका, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें और, तो ये जैन धर्म के संस्थापक भी हैं जो प्रथम तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और महावीर स्वामी के शासनकाल में ही जैन धर्म का प्रसार प्रसार अधिकांश भागों में होता है। तो 24वें कौन है, महावीर स्वामी, और प्रथम है ऋषभदेव, और जिसे जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर सात, नलियरी द्वीप प्रबंधन के बारे में, यानी नलियरा द्वीप प्रबंधन के बारे में असत्य कथन क्या है। यह अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन था, इसका वर्णन एक तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया था। तो नलिरिया द्वीप प्रबंधनम जो दोस्तों है, इसका जो इसमें तीनों कथन सत्य हैं। यह अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन है, इसका वर्णन तमिल वेदों के रूप में मिलता है। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत चारों वेदों यानी ब्राह्मण क्षत्रिय जो सॉरी चार वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद के बराबर बताया गया है, जो वेदों के तुल्य हैं। अलवार संतों को ये भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में माना जाता है, ठीक है। और जो अलवार संत हैं ये विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त हैं अलवार। और इसमें जो डी इसका सही आंसर यानी असत्य कथन क्या है, डी, ये धर्मशास्त्र था, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर आठ, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो लंबी हो सकती है, परंतु इस वीडियो हम इसे पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी सहयोगपूर्ण रहेगा आगामी परीक्षा के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बाबा गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास एवं कबीरदास की वाणी को किस पुस्तक में संकलित किया गया है। तो बाबा
गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास और कबीरदास की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। जिसे किस में शामिल किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में। जी हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके वाणियों को संकलित किया गया है। और इसका संपादन, अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन की बात करें तो संपादन किसने किया था? तो संपादन किया गया था सिख गुरु यानी सिख समुदाय के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव। जी हाँ, श्री गुरु अर्जुन देव द्वारा इसका संपादन किया गया था। ठीक है, अर्जुन देव द्वारा इसका संपादन किया गया था। और इसका पहला प्रकाशन अगर हम बात करें तो 30 अगस्त 1604 को हरि मंदिर साहब अमृतसर में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, युग्म को सम्मिलित कीजिए। अगर युग्म को सम्मिलित करने की बात करें तो अगर हम इसमें जिसका उत्तर है दोस्तों वह है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो विजयनगर, विजय का शहर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ये इसका है डी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10, विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश था? तो विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध सलू वंश से था। जी हाँ, किसे था? सलू वंश, यानी ए इसका सही उत्तर है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 11 है, अकबर नामक पुस्तक की रचना किसने की? अकबर नामक पुस्तक की रचना दोस्तों अबुल फजल ने। किसने की थी दोस्तों? अबुल फजल ने। जी हाँ, अबुल फजल ने अकबर नामक पुस्तक की रचना की है। और इस पुस्तक अबुल अकबर नामक को आयने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। और आयने अकबरी के 3 भागों में 3 जिल्दों में इसका संकलन किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 12, जिस हिंदू ग्रंथ का फारसी भाषा अनुवाद रज्जब नामक के नाम से हुआ है? महाभारत। और रज्जब जो है महाभारत का फारसी भाषा अनुवाद किसने किसके शासनकाल में किया गया? तो वो है अकबर के शासनकाल में। जी हाँ, अकबर के शासनकाल में ये महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया 1580 ईस्वी में, यानी 16वीं शताब्दी में, 1580 में। और मुग़ल बादशाह अकबर के हुक्म से मुल्ला अब्दुल कादिर जी, कौन है? अब्दुल कादिर। जी हाँ, अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही इसका निर्माण किया। ठीक है, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसी प्रकार से रामायण का भी फारसी भाषा अनुवाद अकबर शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ही नहीं किया है। तो दो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, महाभारत का रज्जब नामक रूप में से बदायूनी ने अकबर के शासनकाल में, और इसी प्रकार रामायण का भी बदायूनी ने किया अकबर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 13, सहायक संधि की शुरुआत किस अंग्रेज गवर्नर ने की थी? तो सहायक संधि की शुरुआत सर्वप्रथम डुप्ले यानी फ्रांसीसी गवर्नर इन्हें डुप्ले ने की थी। जी हाँ, डुप्ले। हालांकि इस संधि का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था वो लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली। जी हाँ, लॉर्ड वेलेजली इसका आंसर है। सहायक संधि का जो प्रतिपादक है लॉर्ड वेलेजली ने किया सबसे ज़्यादा। और इसका इसे ही लॉर्ड वेलेजली को ही सहायक संधि का जनक कहा जाता है। और इसी सहायक संधि के माध्यम से सर्वप्रथम अगर बात करें तो 1798 में 1798 में हैदराबाद के निज़ाम, जी हाँ 1798 में इसे हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो अवध 1801 में अवध में इसे शुरुआत किया गया। पेशवा की बात करें तो पेशवा ने 1803 में इस सहायक संधि का प्रयोग यानी स्वीकार किया था। तो शुरुआत सर्वप्रथम अगर हम बात करें डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन अगर हम ब्रिटिश गवर्नर की बात करें और इसका सब सहायक संधि जनक जो माना जाता है वो है आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 14, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को कथन एक रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। कथन एक क्या कहता है कि 1921 में दक्षिण भारत यात्रा के दौरान गांधी जी ने सूती वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। बी, ऐसा उन्होंने गरीबों के साथ तदम्य स्थापित करने का उद्देश्य किया था। तो दोस्तों गांधी जी ने सूती कपड़ा का उद्देश्य शुरुआत तो किया था 1921 ईस्वी में, ऐसा उन्होंने गरीबों के साथ तदम्य स्थापित करने का उद्देश्य नहीं किया था। तो कथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। गरीबों जैसे देखने उन्होंने वस्त्रों का त्याग दिया था। प्रश्न 15, अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब पारित किया? तो अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने का कानून दोस्तों 1829 ईस्वी में पारित किया गया। और भारत में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, जी हाँ राजा राम मोहन राय द्वारा अथक प्रयासों से, ठीक है, ये शुरुआत की गई। और
1829 में अंग्रेज़ों ने इसे समाप्त करने के लिए कानून पारित किया। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो किसके शासनकाल में हुआ था ये, तो वो थे लॉर्ड, जी हाँ, गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक वो गवर्नर थे जिन्होंने सती प्रथा के लिए कानून पारित किया 1829 ईस्वी में। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो राजा राम मोहन राय थे। प्रश्न नंबर 16, अंतरिम सरकार में कौन शामिल था? तो दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो अंतरिम सरकार थी वो 2 सितंबर 1946 में शुरू की गई। जी हाँ, 2 सितंबर 1946। ठीक है, इसमें कुल 14 जो सदस्य थे। अगर हमें जान मथाई की बात करें, सरदार बलदेव सिंह और वीएच बाबा। तो ठीक है, तो इसमें से अंतरिम सरकार में कौन शामिल थे? तो इसमें अंतरिम सरकार में दोस्तों सभी शामिल थे। ठीक है, तो जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, भाभा कारखानों शक्ति मंत्री। अब तक खोजी के प्रचिन्ह प्रणाली यानी दिए गए उद्धरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो उद्धरण संबंधी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको बताना चाहिए। लोथल में बने आवास जिन ईंटों से बने थे वो थे किससे दोस्तों? पक्की ईंटों से। नालों के अगल बगल मिले रेत के छोटे छोटे ढेरों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? पुरातत्व का अजूबा या इतिहास का अजूबा। इसमें से जो उत्तर सही वो है दोस्तों उपयुक्त डी, सही उत्तर है सबका। वह स्थल जहाँ मकान कच्ची ईंटों से लेकिन नालियाँ पक्की ईंटों से बने थे वो कौन सा है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो पूरा ये दोस्तों उद्धरण से संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखना है। फ्रांसिस बुकानन अपने सुझाव में किसे संबोधित कर रहे हैं? इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता निहारते हुए पूरे वन प्रदेश के भ्रमण करने के पीछे बुकानन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो औपनिवेशिक नीति का प्रसार, वनवासियों कल्याण, ठीक है, प्राकृतिक प्रेम ही उसका परिणाम था। बुकानन को वनवासी क्या समझते थे? बुकानन को जो वनवासी अंग्रेज का एजेंट समझा करते थे। फ्रांसिस बुकानन पेशे से एक चिकित्सक था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उद्धरण से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, इस तरह आपको ध्यान से पढ़ना है। किन्हीं 3 दिए गए उद्धरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा के रूप में लिया गया हिंदुस्तानी जिन 2 भाषाओं के मिश्रण में कौन कौन सा है? तो हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण है दोस्तों, हिंदुस्तानी भाषा मिलकर बनी है। गांधी जी ने जिस भाषा को राष्ट्र के रूप में चुना हुआ था हिंदुस्तानी सी। राष्ट्रभाषा की जो विशेषताएं होनी चाहिए वह क्या है? राष्ट्रभाषा समृद्ध शक्तिशाली होनी चाहिए, यह मानवीय विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके। इसका दोनों उत्तर सही है, यानी दोनों 1 और 2 ऐसी होनी चाहिए राष्ट्रभाषा। हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि है, विवेचना कीजिए दोस्तों। हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि इसलिए है क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, इसका जो जितना भी उत्तर है इन सभी उत्तरों को जो क्वेश्चन है इसके उत्तर जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका PDF बनाकर मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, ताकि आप वहाँ से उसे देख सकें और अच्छे से समझ सकें। किस हद तक महाद्वीप में पाए जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1857 विद्रोहियों ने एकता की कल्पना को किस प्रकार साकार किया? तो विद्रोहियों ने समस्त रूप से एकता की परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने क्या किया? 10 मई 1857 में जब विद्रोह की शुरुआत होती है तो विद्रोहियों द्वारा दिल्ली में 11 मई को पहुंचा जाता है और वहां पर बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया जाता है। तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक दिया गया और इसी प्रकार एकता को साकार किया गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया। ये तो जमींदारी प्रथा, या यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन में देखना है। 20वीं शताब्दी में किए गए महाभारत के संकलन के विभिन्न सोपानों को वर्णन कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। विजयनगर, तो महाभारत से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा भी। विजयनगर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली से अभिलक्षित था। उत्कथन विजयनगर धार्मिक स्थापत्य को उदाहरण सहित पुष्ट कीजिए। अमरनायक प्रणाली विजयनगर के प्रमुख राजनीतिक नवाचार था और विजयनगर के उत्थान और पतन के लिए जिम्मेदार था, विश्लेषण करें। इसके अलावा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन के रूप में किस प्रकार बदल दिया? अथवा दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट करें। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए इन निर्देशों का उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छे भी हैं
और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ा तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ अपने विद्यार्थियों से कि एनसीईआरटी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। आप जितना भी सैम्पल पेपर पढ़ लीजिए, जितना भी गाइड पढ़ लीजिए, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने में दिक्कत ही होगी। इसलिए मेरा आप सभी विनर में निवेदन है कि आप एनसीईआरटी को ना भूलें। एनसीईआरटी जितना दफ़ा पढ़ सकते हैं इन इन महीनों में पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दिया यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।